हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का विषय इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। टुडेज टॉपिक इज टू लर्न इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह है जो न केवल किसी नाउन के बदले आता है बल्कि सवाल भी करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट नॉट ओनली कम्स फॉर नाउन बट ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एज शोन हियर। नीचे तीनों वाक्यों में हु तथा विच किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, अतः ये तीनों शब्द प्रोनाउंस हैं। नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहे जाते हैं, व्यक्ति नाउन था, अतः ये तमाम शब्द प्रोनाउंस हैं। साथ ही इनके द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, अतः ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। दी थ्री वर्ड्स आर प्रोनाउंस यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स एज वेल एज आस्किंग क्वेश्चंस, देयरफॉर वी टेल देम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों, नीचे हिंदी के वाक्य दिए गए हैं और पता करने हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहाँ कहाँ हैं। उदाहरण के तौर पे, तुम कौन हो, हु आर यू, कौन दौड़ रहा है, हु इज रनिंग, कौन आएगा, हु विल कम, कौन आ चुका है, हु हैज कम, लड़कों में से कौन खा रहा था, विच ऑफ द बॉयज वॉज ईटिंग, लड़कियों में से कौन आ रही थी, विच ऑफ द गर्ल्स वॉज कमिंग। दोस्तों, इन तमाम हिंदी वाक्यों में कौन, जिसकी अंग्रेजी हो तथा विच दी गई, ये तमाम शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये किसी नाउन के बदले ही नहीं बल्कि सवाल भी कर रहे हैं, अतः इन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जानेंगे। लेकिन नीचे के दो वाक्यों में जब भी कोई सिलेक्शन का बोध हो, उस कंडीशन में हु के स्थान विच का प्रयोग हम करते हैं, जैसे लड़कों में से कौन खा रहा था, विच ऑफ द बॉयज वॉज इटिंग, यर देर इज ए सेंस ऑफ सेलेक्शन, दैट्स वाई हु इज रिप्लेस्ड बाई विच। फ्रेंड्स, लेट्स गो टू पैसेज विद ब्यूटीफुल वर्ड्स। ऊपर बताए गए वाक्य इन पैसेज में कहाँ दर्शाए गए हैं खुद पता करने हैं। उदाहरण के तौर पर, हु आर यू, तुम कौन हो, आर यू ए सॉफ्ट माइंडेड पर्सन, क्या तुम बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हो। सॉफ्ट माइंडेड पर्सन्स आर प्रॉन, सीधे साधे व्यक्ति प्रॉन यानी आदि होते हैं, अभ्यस्त होते हैं टू इम्प्रेस ऑल काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशन, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को सहजता से अपनाने में सॉफ्ट माइंडेड पर्सन्स काफ़ी प्रॉन होते हैं, अभ्यस्त होते हैं, किसी भी अंधविश्वास को वे सहजता से इम्प्रेस कर लेते हैं, अपना लेते हैं। क्या तुम उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो। अब इस पैसेज में पता करें कहाँ ऊपर बताए गए वाक्य पे आधारित वाक्य दिया गया है। लेट्स गो टू अनदर पैसेज, विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ट्राइंग टू हैव रूम हियर, लड़कों में से कौन वर्ग में स्थान खोजने की कोशिश कर रहा है। देयर इज नो रूम इन दिस क्लास फॉर एडिशनल स्टूडेंट्स, अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए वर्ग में कोई रूम नहीं है यानी जगह नहीं है। इस शब्द को बैंक एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रूम मीन्स स्थान, जगह, चाहे बस का स्थान हो, ट्रेन का स्थान हो, वर्ग में स्थान हो इत्यादि। दोस्तों, आप पता करें इसमें ऊपर बताए गए वाक्य पर आधारित वाक्य कहाँ दिए गए हैं। लेट्स गो टू अनदर पैसेज, हु हैज कम हियर, कौन यहाँ आया है। इफ द पर्सन हुम आई डिस्क्राइब यस्टरडे हैज कम हियर, देन डोंट लेट हिम सिट हियर। जिस व्यक्ति की मैंने कल चर्चा की थी, यदि वह आया है तो उसे मत यहाँ बैठने दो। ही इज कालस, वह कालस है। कालस मीन्स बहुत कठोर, निर्दयी है। अ पर्सन डिवॉइड ऑफ काइंडली फीलिंग एंड सिंपैथी इज कॉल्ड कालस, यानी वह व्यक्ति जिसमें जरा भी किसी के प्रति सहानुभूति, दया या करुणा नहीं हो, वह व्यक्ति कालस कहलाता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बीते कई दशकों से हम अंधविश्वास का शिकार हैं, जैसा कि पैसेज में अंधविश्वास की चर्चा की गई। यह वर्तमान को तो नष्ट कर ही रहा है, भविष्य को भी नष्ट कर देगा। विडम्बना यह है कि हजारों लोग इसे मानते हैं। इसे दूर किया जाए, इसकी कोशिशें हमें करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।